पूजा उज्जैन उज्जैनवाल जी और उनके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले ही संपर्क किया। उन्होंने दास्तान बताई 2014 के बाद की कि 2014 में पहले डीएमआर एम्प्लाई रेगुलर भी हुए हैं, उसके बाद में रेगुलर होने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको घरों पर बैठा दिया गया। इस सरकार की नीति है सरकारी विभागों को बेचना, ठेकेदारी प्रथा लागू करना, कच्ची नौकरी पर रखना, गुलामों की भांति आज इस देश के मजदूर को के साथ में व्यवहार किया जा रहा। मैं असंगठित कामगार कांग्रेस का राष्ट्रीय चेयरमैन हूं। मैं समझ सकता हूं कि इस देश में 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं जो नरेगा में रेडी पटरी में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के रूप में सर्विस सेक्टर में अमाजान हुआ जो बैठे हैं, दस्तकार हुए, तमाम क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जिनका रेगुलर इनकम नहीं, कब उनको मजदूरी मिलेगी कब नहीं मिलेगी। लेकिन एनडीएमसी एमसीडी एक ऐसे संस्थान रहे हैं जहां पर डेली वेजर से लग करके परमानेंट होते थे और नियम के हिसाब से अगर 10 साल पूरा हुआ हो 500 दिन का काम, ऐसे लोगों को परमानेंट का प्रावधान है और पहले ऐसे लोग परमानेंट किए भी गए हैं। सुखबीर जी सही बात है, हमारे बीच में नागर जी मजदूर नेता है, आपके समर्थन में आए हैं, बड़े किसान नेता हमारे बीच में आत्मजीत जी हैं, विकास पवार विनोद पवार जी की बात को आपने सुना। हम लोग इस लड़ाई को अब अपने हाथ में ले रहे हैं। अभी तक तो हमारा कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन हम आपका साथ देने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात का है कि जिन्हें घर बैठा दिया गया है उनकी लड़ाई आप लड़ रही हैं, वो नौकरी तो जा ही चुकी है, मजदूरी तो जा ही चुकी है, क्या उन मुर्दे लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उन मुर्दों को कैसे जिंदा किया जाए? और जो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क पर काम कर रहे हैं, सीधे न आए क्योंकि ठेकेदार निकाल देगा, एनडीएमसी निकाल देगी, लेकिन उनके घर के जो प्राणी हैं, उनके दोस्त हैं, वो तो उनके कमाई का फायदा ले रहे हैं, वो तो आ सकते थे। तो कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे मजदूर वर्ग में भी है, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए उस पर आपको सोचना पड़ेगा। बड़ी शक्ति होती आज ये बैरिकेड तोड़ते हुए एनडीएमसी का घेराव कर लेते हैं, लेकिन जिसकी लड़ाई अगर वही आगे न आए तो बाहर के लोगों को ला करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैं आप लोगों के साथ में हूं, लेकिन आप उन लोगों से भी संपर्क करो, हजारों की संख्या में घर बैठा दिए गए हैं, तो जो शोषण हो रहा सारा प्राइवेट पर दिया जा रहा। इस देश में एक मालिक हो गया है, एक गुलाम हो गया, ये गुलामी से ज्यादा भी बदतर है,
तो इनको एहसास कराना पड़ेगा। फिर से आपको नोटिस देकर के बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। अगर उन लोग अपने घरों के साथ में ले आकर शामिल जिस दिन हो जाएंगे, हम एनडीएमसी को उस तक तब तक घेरेंगे जब तक आपका काम नहीं हो जाएगा, या हमें वो जेल भी ले जाएंगे तो हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं। के सी है, अभी मैं आ रहा था रास्ते में, एमान रजपी जी और आत्मजीत जी ने पूछा कि के सी क्या है। एक कामगार कर्मचारी कांग्रेस है, इसका एक साल पहले ही सक्रियता में आया है। इसको तमाम इसके जो यूनियन है, उस अगले बार जब कोई आह्वान हो उन सबको लेकर के आना चाहिए। आप अकेले ताकत से नहीं लड़ रहे हो तो आपको संगठन का हिस्सा बनना पड़ेगा, और यह आपको नहीं देखना पड़ेगा कि अरे हम तो राजनीतिक नहीं है, बिना राजनीतिक हुए आपका गुजारा नहीं होगा। जब तक वोट नहीं हिलता तब तक आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूजा उज्जैनवाल जी को, उनके साथी को, मैं नाम भूल गया, श्री किशन जी कश्यप जी लगातार लगे रहते हैं, और हम इनको तरीका भी बताएंगे कि कैसे संगठित किया जा सकता है, और अगली बार हम अच्छी तैयारी के साथ में आएंगे और आपकी लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक इस मास्टर रोल की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। धन्यवाद।